हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आपका भाई रोहित सिंह। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किया सेल्टोस के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, कि क्या है ये जो है आपका एन कैप से जो रेटिंग है ये 3 स्टार है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल में जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसा है। तो चलिए आज वीडियो में हम यही बात करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपसे अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ, तो 1.5 साल 2 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जो कि बहुत लोग को, मतलब किया सेल्टोस का जो बिल्ड क्वालिटी है उससे बहुत दुख पहुंचा था। ये इंसिडेंट जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये देखिए अभी मैं एक स्क्रीन पर फ़ोटो डाल रहा हूँ। ये फ़ोटो लगभग सबके पास ये फ़ोटो पहुंच गया होगा, इतना ये वायरल हुआ था उस टाइम। ये जो इंसिडेंट है ये चंदवारा का है। इसमें जो कार है वो हमें देखने के लिए मिलता है कि जो किया सेल्टोस है वो 2 टुकड़ों में बट जाता है एक्सीडेंट होने के बाद। इससे जो है काफ़ी लोग का जो भरोसा है वो टूट गया था किया सेल्टोस से बिल्ड क्वालिटी के मामले में, और टूटना भी चाहिए क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है। अगर ऐसा हो जाता है अगर कार के साथ, तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि वो कार आप जो है वो परचेज़ कीजिए। तो ये आज मैं इंसिडेंट के बारे में इसलिए मैं ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि हम जो है इंसिडेंट को तो देखे थे, लेकिन ये क्या जो प्रैक्टिकल में क्या बात था मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। जो बात था उस टाइम, ये आपका इंसिडेंट चंदवारा का है जिसमें जो कार में थे वो 5 लोग मौजूद थे, और ये सुबह का टाइम था, और जो कार जो है वो 120 के प्लस जो स्पीड है उससे प्लस जो था ओवर स्पीड था। कार जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए जो चला रहे थे, और जो स्ट्रीट पोल होता है, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे ये जो पोल है, स्ट्रीट पोल में जाकर वो साइड से जो है टकरा गए थे। मतलब कि जो कार है वो क्रैश हो गया था, साइड से बहुत बुरा तरीका से डैमेज हो गया था। लेकिन कार जो है उस टाइम जो है वो अलग नहीं हुआ था। अलग हुआ कैसे था? 3 लोग जो थे वो कार में जो है वो फंसे हुए थे, जिनको निकालने के लिए जो कार को है वो कटर से काटा गया था। जी हाँ, जो कार को है यहाँ से जो साइड से होता है वो कटर से काटा गया था कि जो 3 लोग हैं ये जो है निकल पाए। तो ये इंसिडेंट का जो ये फैक्ट है ये यही था। ऐसा नहीं था कि जो स्ट्रीट पोल लगा साइड से डैमेज हुआ था बहुत ज़्यादा, नो डाउट, इसमें कोई ये नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा इसका बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था जो आप जो फोटो में और जो वीडियो में उसे जो किया सेल्टोस को मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब मतलब रिव्यू मिलने लगा था बिल्ड क्वालिटी के मामले में, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा। तो जो इंसिडेंट का फैक्ट है वो यही है, उसे कटर से जो है वो काटा गया था 3 लोग को जो निकालने के लिए, और उसमें जो है कोई लोग जो है डेड नहीं हुए थे, सब लोग जो है वो जिंदा बच गए थे। तो अब जो हम जो है मेन टॉपिक पर आते हैं जो इसका बिल्ड क्वालिटी है। बिल्ड क्वालिटी तो मैंने जैसा बताया कि एनकैप से रेटिंग है 3 स्टार, और ऐसा नहीं है 3 स्टार बहुत अच्छा होता है और बहुत ख़राब होता है। जो आपका मारुति का जो अभी जितना भी कार आ रहा है वो 3 स्टार से नीचे ही रहता है अगर आप कंपेयर करें बिल्ड क्वालिटी के मामले में, लेकिन जो सेलिंग होता है उस कंपनी का, मारुति सुजुकी का, वो सब के मामले में ये आसपास भी ये सब कंपनी नहीं है जितना वो सेल करते हैं 3 महीना में। उनका उस कंपेयर में ये साल भर में भी उतना सेल नहीं कर पाते हैं ये सब कंपनी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि आपको ये मारुति से कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी जो है ये मिलता है। और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि जो किया के आने वाला जो जनवरी में लॉन्च होने वाला है वो जो है उसमें इम्प्रूव करे और जो बिल्ड क्वालिटी को है उसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाए। इसमें अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं तो मेरे साथ जो अभी इंसिडेंट हुआ था हाल फिलहाल, बम्फर के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ये है, बम्फर तो आजकल का कार जो है वो डिज़ाइन करने के लिए कमज़ोर ही बना रही है। लेकिन हाँ, मैं ये बोनट ज़रूर कहूँगा कि ये जो बोनट है ये जो है आपका काफ़ी हैवी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मारुति जैसा जो है वो दब रहा हो, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी स्ट्रांग जो है इसका बोनट मुझे लगा प्रैक्टिकल में। यहाँ पर मैं अगर इंसिडेंट बताऊँ मेरे साथ जो हुआ था, मैं कंस्ट्रक्शन रोड पर ड्राइव कर रहा था कार, और जो मेरा कार का स्पीड होगा लगभग 30-40 के आसपास होगा, तो एक जो पत्थर है यहाँ पर जो लगा था मेरे ही कार से लगा था, तो मैंने देखा कि उतना जो है स्ट्रॉन्ग टाइप से नहीं लगा था, लेकिन साइड में जो है वो डैमेज हो गया था। तो वो तो मैं नहीं कहूँगा कि साइड से बहुत ज़्यादा मजबूत है या क्या है, हो सकता है गलत एंगल से पत्थर ही लगा हो। लेकिन और मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। मैं सिग्नल पे खड़ा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीछे से बाइक थे वो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड था,
और वो रोकते रोकते, मतलब ये जो है आप देख रहे दाग, वो टायर का उसका निशान है। अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो आपको स्क्रैच भी दिख रहा होगा। ये जो है वो बहुत जोर से मारा था, और मतलब मुझे उतरने का उस टाइम मौका नहीं मिला था क्योंकि मैं ट्रैफिक में था, सिग्नल जो है वो ग्रीन हो चुका था, तो मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन मुझे अंदर बैठ के ये तो लगा था कि आज जो है वो बहुत बड़ा कांड हो गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज हो गया होगा पीछे से। लेकिन जब मैं साइड में लगा कर देखा तो मैंने देखा कि कुछ खास जो है वो डैमेज नहीं हुआ है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी जो है जो ये मजबूत है, और जो ये दिया गया है पीछे में इसका प्लेट का काम जो कर रहा है वो काफ़ी मतलब अच्छा है। मतलब कि पीछे में अगर आपका टच वच भी होता है तो मतलब ठीक रहता है, उतना ये कमज़ोर नहीं है। हाँ, मैं इसका जो सबसे बड़ा और सबसे जो ख़राब डीमेरिट के बारे में बताने वाला हूँ बिल्ड क्वालिटी में और सेफ्टी की में भी, इसमें जो है ये पेट्रोल का टॉप मॉडल है, ये जो आप देख रहे हैं HTX वेरिएंट है, और इसमें जो है आपको मात्र 2 एयरबैग मिलते हैं। देख सकते हैं, एक आपको यहाँ पे और एक आपको यहाँ पे, बस बाकी आपको पीछे में कोई एयरबैग नहीं मिलता है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, आपको पीछे में जो है कोई भी एयरबैग नहीं मिलता है, एयरबैग का जो है बना हुआ रहता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं बना हुआ है दोनों तरफ, ना ही आगे में, बस आपको फ्रंट में 2 एयरबैग मिलते हैं, एक वहां पर वो एसी वेंट के पास लेफ्ट वाला और एक स्टेयरिंग में। तो ये जो है मुझे बहुत मतलब खराब लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप 16-17 लाख जो स्पेंड कर रहे हैं और आपको मतलब 6 एयरबैग, तो छोड़िए 4 एयरबैग भी नहीं दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं किया यहाँ पर जो है ज़्यादा जो है वो कॉस्ट कटिंग की, क्योंकि उन्हें सेफ्टी को लेकर मजाक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब वो बॉडी भी कुछ ऐसा नहीं, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मजबूत है, 3 स्टार 3 स्टार ही होता है, लेकिन कम से कम आपको जो है वो सेफ्टी पर तो ध्यान रखना चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मैं इस वीडियो में आपको जो कंक्लूजन है वो बता दूँ, तो बहुत ज़्यादा जो इसका बिल्ड क्वालिटी है वो मजबूत भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर भी नहीं है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको कहीं ना कहीं मारुति से जो है बॉडी कहीं ना कहीं हैवी मिलेगी, और उससे जो है कहीं ना कहीं अच्छा मिलेगी। आप अगर इसे हाईवे पे 140-150 भी अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब आप अनकंफर्टेबल हैं, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं टूटेगा नहीं, क्योंकि उतना जो है ये झेल लेता है ये। हाँ, कहीं ना कहीं 160 के बाद जाने के बाद जो है आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउन होगा, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगेगा कि कार जो है वो अनस्टेबल है। बाकी जो है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।